क्या आपको पता है कि सोलर सिस्टम से अगर जुपिटर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्स योरसेल्फ यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूँ मैं आपको डब्बे से बाहर निकालने और कुछ नया बताने। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप साइंस लवर हो या ना हो, पर आपको एक बात तो बताओगे, हमारे सोलर सिस्टम के स्पेस में बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं जो कभी भी किसी भी ग्रह पर गिर जाते हैं। जैसा आजकल आप 1998 OR2 का नाम सुन रहे होंगे कि वो आके हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, वो भी एक एस्ट्रॉइड ही है। अब आते हैं अपने सवाल पे, अगर जुपिटर नहीं होता तो क्या होता? जैसे कि आपको पता होगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटी पृथ्वी से 2.4 टाइम ज्यादा है। नासा के मुताबिक जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 अर्थ को फिट किया जा सकता है। अगर हम जुपिटर को सोलर सिस्टम से हटा दें तो उसके ऑर्बिट में रहने वाले सारे एस्ट्रॉइड और मून अपना बैलेंस खो देंगे और सीधा आके पृथ्वी और मार्स पे गिर जाएंगे, और इसमें से कुछ इतने बड़े हैं कि वो पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे कि जुपिटर ना हो तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सो बिग थैंक यू टू जुपिटर जिसने हमारी पृथ्वी को बचाए रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुपिटर के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके आप बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मैं आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।